जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट से बंटवारा कैसे किया जाता है, यानी पार्टीशन सूट या बंटवारा सूट का मुकदमा कैसे किया जाता है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कितना खर्चा होता है, ये सब पूरी प्रक्रिया आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बंटवारा सूट से पहले भी, यानी कोर्ट से बंटवारा सूट करने से पहले भी और प्रक्रिया हमने पहले बता चुका है, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आपसी बंटवारा, पंचनामा बंटवारा, तहसील से बंटवारा, रजिस्ट्री ऑफिस से बंटवारा, और हमने 100 रुपया में रजिस्ट्री से बंटवारा कैसे किया जाता है ये भी हमने बता दिया है। ये सब बंटवारा करने के लिए आपको सभी का सहमत होना जरूरी था। इसमें से यदि कोई भी बंटवारा आप करना चाहते थे तो उसमें आप सबको सहमत होना बहुत जरूरी था। यदि किसी एक भी सहमत नहीं है तो ये बंटवारा आपका रुक जाता था। लेकिन यदि सहमत नहीं है, यानी कि बंटवारा को लेकर के आपके जितने भी हिस्सेदार हैं वो सब सहमत नहीं हो रहे हैं, और जिनका जमीन, जिनके नाम पर आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कृषि योग्य भूमि हो, व्यावसायिक हो या फिर घर द्वार वाला हो, यदि वो जिसके नाम से है वो रैयत मर चुके हैं, यानी आपके बाप दादा परदादा या जिसके भी नाम से ज़मीन था वो मर चुके हैं, और आप अब जो आप हिस्सेदार हैं वो सब कोई सहमत नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बंटवारा सूट का केस फाइल करना पड़ता है, जिसको पार्टीशन सूट भी कहते हैं। बंटवारा सूट फाइल करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे पंजी 2 में जिसका नाम है उनका पूरा डिटेल चाहिए, ज़मीन का पूरा डिटेल चाहिए, आपका कागज जिस भी जिसके नाम से है, ज़मीन का जिसके नाम से मालिकाना हक है, चाहे वो खतियानी हो, केवला हो, चाहे जैसे भी ज़मीन अर्जित हुआ था, वो डॉक्यूमेंट्स देना होता है। उसका रसीद संभव हो तो आपको वो भी देना होता है, और इसके साथ साथ वंशावली भी देना होता है। वंशावली कैसे बनाया जाता है यदि आपको ये नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी लिंक है, आप वहाँ से भी बंटवारा के लिए वंशावली कैसे बनाया जाता है आप वहाँ से देख करके वंशावली बनवा सकते हैं और बंटवारा सूट का मुकदमा फाइल करते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स हो, यह ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप सब आदमी जाइए, आप अकेले भी जा करके बंटवारा सूट का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर यह देखा जाता है कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी है और आप उसमें जितना हिस्सा का दावा करते हैं, उस प्रॉपर्टी का जितना वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू, उसका 1.5 से 3% तक आपको टैक्स कोर्ट में कोर्ट फी के रूप में जमा करना होता है। आपके एरिया में कितना है ये आप जाके पता कर सकते हैं, और इसके लिए केस फाइल करने के लिए आपको एक वकील की भी ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको ये नहीं पता कि फ्री में आप वकील करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि फ्री में वकील कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए भी हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि आप फ्री में लॉयर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लॉयर कर लेने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अकेले भी जा करके, या एक दो जो भी आपके साथ हिस्सेदार सहमत हैं बंटवारा सूट करने के लिए, वो सब सामूहिक रूप से या आप सिंगल रूप से भी जा करके बंटवारा सूट का मुकदमा फाइल करते हैं। फाइल करने के बाद सभी पक्षकारों को आपने, जिनका भी जो भी आपका हिस्सेदार था, उन सब के विरुद्ध आखिर की मुकदमा फाइल करने तो किसी न किसी के विरोध में फाइल करना होगा। वंशावली के अनुसार आपकी जिस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाह रहे हैं उसमें और भी जितने जो आप फाइल कर रहे हैं जो भी हिस्सेदार, उसका तो कोई बात नहीं, वो तो पेटिशनर हो गया, और जो बचे हैं, जो हिस्सा करना नहीं चाहते हैं या सहमत नहीं हो रहे हैं, तो उनके विरुद्ध में विपक्षी में उनका नाम दिया जाता है, उन सबको नोटिस जाता है। नोटिस मिलने के बाद वो सबको कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है और सबको अपना अपना जवाब देना पड़ता है। यहाँ पर दो बातें हो सकती है कि वो अपीयर हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो भी उसको 2 बार 3 बार नोटिस दिया जाता है, गजट प्रकाशन किया जाता है, और यदि वो नहीं आता है तो एक्स पार्टी यानी एक तरफा ऑर्डर कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है। अपीयरेंस हो जाने के बाद जो भी वो सब जवाब लगाते हैं, उसके बाद कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि आप सब आपस में बंटवारा करके हमको रिपोर्ट दे दीजिए कि हम लोग इस तरह से बंटवारा किए हैं, यदि इस तरह से आपका बंटवारा हो जाता है तो ठीक है, कोर्ट उसके आधार पर फैसला दे देगी। यदि इस तरह से बंटवारा नहीं होता है और वहाँ भी मतांतर रह जाता है, कोर्ट केस होने के बाद भी आपस में तालमेल नहीं बैठता है, तो उसके बाद कोर्ट के द्वारा स्वयं ही संबंधित अधिकारी के द्वारा आपके प्रॉपर्टी का सर्वेक्षण करवाकर उनका सभी डिटेल्स और शेड्यूल तैयार करवाया जाता है कि किनके हिस्से में कितना जमीन जाएगा, किधर से जाएगा, सबको रंग के द्वारा रंग दिया जाता है।
ये सब पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार जब कोर्ट में हो जाता है तो इसके बाद आपत्ति की समय आती है कि अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन करना हो, कोई आपत्ति करनी हो तो वो कर सकता है। उस पर भी गहनता से विचार किया जाता है और गहनता से विचार करने के बाद कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो सर्वोपरि होता है। हालांकि बाद में यदि आप किसी को स्वीकार नहीं हो तो अपील में जा सकते हैं, और कोर्ट के द्वारा जब एक बार ऑर्डर दे दिया जाता है तो उसके आधार पर आप उसका मोटेशन करवा सकते हैं, जमाबंदी बनवा सकते हैं, रसीद कटा सकते हैं अपने नाम पर। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कोर्ट से कैसे हिस्सा या बंटवारा सूट या टाइटल सूट किया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में मेरा व्हाट्सएप वाला वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।